Yes, so hi everyone. Okay, so hi everyone, and this is a series on environment and ecology जो कि currently अभी YouTube पर चल रही है, and this is part number 4, and इसमें हम discuss करेंगे national parks, जो भी important national parks हैं. Obviously it's not possible कि सारे national parks के बारे में आपको सारी कुछ knowledge होनी चाहिए, but जो UPSC point of view से जो भी relevant चीज़ें हैं that we will discuss here. Okay, so my name is Vinita and I'm a verified educator on Unacademy. I'm also taking live classes on Unacademy Plus. So you can take subscription of Unacademy Plus in case you are appearing in 2020 or 2021. So 2 years subscription bhi aap le sakte ho. I'm Vinita 450 is my code in order to get 10% discount. Okay, ab yahan par national parks ki baat karte hain. Dekho, आपको पता है नेशनल पार्क किसके अंदर कवर होती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 एंड 1972 में एक और बॉडी फॉर्म हुई थी. आप मुझे नाम बताओगे उस बॉडी का एंड व्हेन लाइक कौन सी कन्वेंशन के थ्रू वो फॉर्म हुई थी. इसके अलावा 1973 में भी देर इज़ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि साइन हुई थी विच इज़ रिलेटेड टू द स्पीसीज. So that can also please let me know that also. अब यहाँ पर बात आती है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है, दे इन्जॉय हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ वाई दे आर लेसर इन नंबर एज कम्पेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ओवर 500 वाइल द नेशनल पार्क्स आर लाइक 118 और 114 नेशनल पार्क्स हैं. एक ही होता है नेशनल पार्क जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू सेटअप किया जाता है, और जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट कैन बी क्लासिफाइड वाया ए नोटिफिकेशन. लाइक ए सिंपल नोटिफिकेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ बेसिकली डिज़ाइंड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ए पर्टिकुलर स्पीसीज. जैसे कि घड़ियाल सेंचुरी है, सो दैट्स फॉर द घड़ियाल्स. देन देर इज़ लाइक देर कैन बी लाइक डॉल्फिन सेंचुरी, देर कैन बी फ्लेमिंगो सेंचुरी. सो दे आर फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज वाइल द नेशनल पार्क्स आर फॉर कंजर्वेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ स्पीसीज. उसके अंदर कई सारे स्पीसीज को एक साथ प्रोटेक्ट किया जाता है, ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं. नेशनल पार्क इज़ लीगली प्रोटेक्टेड. इसके अंदर जो ह्यूमन हैबिटेशंस हैं वो अलाउड नहीं होती हैं. रादर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन्स ह्यूमन हैबिटेशंस कैन बी अलाउड एंड नेशनल पार्क के अंदर ऐसा नहीं होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाया परमिशन ऑफ NPWL विच कैन ईजली बी टेकन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्ट उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद और परमिशन के बाद ह्यूमन हैबिटेशंस फ्यूल वुड कलेक्शन और टिम्बर कलेक्शन दैट कैन बी देयर. अब यहाँ पर सबसे पहला जो नेशनल पार्क है पंपादम शोला नेशनल पार्क. देर इज़ नथिंग कि पहले सबसे पहले हम यही क्यों पढ़ रहे हैं और स्टेट वाइज क्यों नहीं जा रहे हैं. देर इज़ नथिंग सच ऑर्डर, बट ये है कि हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनसे एसोसिएटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो एक तो मैं आपको स्पीसीज़ का थोड़ा सा क्लासिफाई कर देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा ये दिमाग में रहे कि ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो वहाँ पर कौन से टाइप की स्पीसीज जो है
वो रहेगी, राइट. सो आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न कह लो गुजरात, यहाँ पर जो स्पीसीज पाए जाते हैं दैट्स बेसिकली इंडियन वाइल्ड एश एंड एशियाटिक लाइन. एशियाटिक लाइन यहाँ के नेशनल पार्क हम डिस्कस करेंगे अभी. इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स वी हैव द स्पीसीज एज लाइन टेल्ड मकाक, देन वी हैव लाइन टेल्ड मकाक, देन वी हैव मालाबार सीवेट, देन वी हैव नीलगिरी टार. देन ऑन द ईस्टर्न साइड, ऑन द ईस्टर्न घाट्स वी हैव सर्टन स्पीसीज, फॉर इंस्टांस डुगोंग इज फाउंड इन तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार डुगोंग. देन इन द मिड पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स वी हैव जैसे फॉर इंस्टांस देयर कैन बी माइग्रेटरी स्पीसीज इन द पुलिकट लेक और कोलेरू लेक, माइग्रेटरी स्पीसीज हो सकते हैं. देन हियर वी हैव द भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स नॉन फॉर ओली राइडलेस सी टर्टल्स. एंड इसके अलावा आपका जो इरावती डॉल्फिन है उसके लिए कौन सी जानी जाती है, चिलिका लेक. अब यहाँ पर दे वी हैव द सुंदरबंस रिजर्व विच इज़ नॉन फॉर द मैंग्रोव, सुंदरबन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स के लिए जाने जाते हैं. ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव सर्टन स्पीसीज, फॉर इंस्टांस लेट से हुलॉक की बॉल, गोल्डन लंगूर एट्सेट्रा, ये सब स्पीसीज होती हैं. तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं. बाकी जो आपके माउंटेनियस रीजन्स हैं, दे आर रेड पांडा और स्नो लेपर्ड कैन बी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड. अब यहाँ पर बात आती है पंपादम शोला नेशनल पार्क की, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है इसमें केरला के अंदर है. सो दैट इज़ वाई अनारमुदी कह लो, पंपादम शोला नेशनल पार्क कह लो, ये वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है. तो वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी टार ये सब स्पीसीज होते हैं. सो यहाँ पर एक स्पीसीज पाया जाता है नीलगिरी मार्टन. ये रेयर और मोस्ट एलूसिव रेयर स्पीसीज होता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है. बाकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अदर कल्चरल एक्टिविटीज़, इको टूरिज्म. सो प्लानिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ पर की गई है. अब यहाँ पर इट्स एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स. नीलगिरी मार्टन लुक्स लाइक ए सिवेट, जैसे मालाबार सिवेट होती है. एंड इट मोस्टली प्रेफर्स हायर एल्टीट्यूड्स. अलग सा रहता है, ये सॉलिटरी एनिमल है, मतलब अलग सा रहता है काफ़ी और आइसोलेटेड सा. एंड द नंबर इज वाइटल एज द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी मार्टिन इज एस्टिमेटेड बिलो 1000. जो ग्लोबल टू ओवरऑल पॉपुलेशन है इट्स बिलो 1000. देन कम्स द डांडेली अंशी नेशनल पार्क. ये कर्नाटका के अंदर है. एंड इट इज़ वेल नोन फॉर सेवरल स्पीसीज, फॉर इंस्टांस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, देन देर इज टाइगर, देन देर इज लेपर्ड, देन देर इज प्योर एलिफेंट डियर एट्सेट्रा. कर्नाटका के अंदर डांडेली अंशी नेशनल पार्क. उसके अलावा फिर आगे आता है बालपक्रम नेशनल पार्क. बालपक्रम नेशनल पार्क आपका मेघालय के अंदर है. एंड इट्स इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और बाकी इट्स नॉन फॉर वाइल्ड वाटर बफेलो, रेड पांडा, एलिफेंट एंड एट कैट स्पीसीज जैसे टाइगर्स हो गए, मार्बल कैट. यहाँ पर बार्किंग डियर भी मिलता है. यहाँ पर एक मेडिसिनल हर्ब है क्योंकि काफ़ी सारी इंडिजीनियस पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है. दिग्गज जिसको बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली संजीवनी इज ए मेडिसिनल प्लांट जो कि यहाँ पर पाया जाता है. यहाँ पर एबंडेंटली ये मेडिसिनल हर्ब जो है ग्रो करती है. अब आगे आपका आता है नॉकरेक नेशनल पार्क. नॉकरेक जो है मेघालय के अंदर है. नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. वेस्ट गारो हिल्स के अंदर ये सिचुएटेड है, एकदम मेघालय का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर सिचुएटेड है. इट्स ए बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल. यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इट्स एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया. इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर करती है उस एरिया को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया. बाकी ये जो एरिया, इट्स नॉन फॉर ए वाइल्ड वेराइटीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स. यहाँ पर क्योंकि आपको पता है सिट्रस यहाँ पर काफ़ी कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं, कमर्शियली वायबल एरिया है सिट्रस फ्रूट्स के लिए. ओके, लेमन एट्सेट्रा. यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स नॉकरेक रेंज से, नॉकरेक नेशनल पार्क के आसपास से होकर गुजरती हैं. जैसे नीचे बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा तो नहीं है, जैसे जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी यहाँ पर मेनली फ्लो करती हैं. नेक्स्ट कम्स द बांधवगढ़ नेशनल पार्क. दिस इज़ इन MP, मध्य प्रदेश के अंदर है. इसके अंदर प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है. ऐसे कोई एंडेमिक या यूनिक स्पीसीज यहाँ पर नहीं है. और इट्स नॉन फॉर द लार्जेस्ट कैटल स्पीसीज दैट इज़ इंडियन बिसॉन. गौर की स्पीसीज जो है उसके लिए जानी जाती है. जैसे गौर को अभी रीइंट्रोड्यूस भी किया गया था यहाँ पर खाना नेशनल पार्क से, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन उसकी डिक्लाइन कर रही थी. बाकी बांधवगढ़ जो है इट्स इन मध्य प्रदेश.
यहाँ पर टाइगर्स, लेपर्ड्स, इसके अलावा यहाँ पर जो रेवा रीजन है, इट्स नॉन फॉर वाइट टाइगर्स. रेवा के अंदर देर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर्स सेंचुरी. वाइट टाइगर्स जो होते हैं, बट एक तरह से मतलब पिगमेंटेशन वेरिएंट कह लो बंगाल टाइगर का ही, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर होता है, तो रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं. एंड इन 2016 वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी वॉज इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश. न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट कम्स द बांदीपुर नेशनल पार्क, इट्स इन कर्नाटका. कर्नाटका के अंदर द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कैन बी लाइक टाइगर्स, लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, इंडियन बिसॉन, चीतल, सांबर, स्लोथ, बियर एट्सेट्रा, ये सारे स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नीलगिरी क्लस्टर का पार्ट है ये. एंड ऑब्वियसली नीलगिरी क्लस्टर जो है, दैट्स द हाइएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन सदर्न इंडिया. इट हैज़ ऑलमोस्ट 5 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क है, दैट्स ऑल्सो इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नागरहोल कर्नाटका, मुदुमलाई जो है ये तमिलनाडु, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, वायनाड एरिया, और ये बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी उसके अंदर है, मुकुर्ती नेशनल पार्क ये भी नीलगिरी क्लस्टर का ये पार्ट है. इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ पर अभी जो नाइट ट्रैफिक है वो बैन किया गया है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स एक तरह से देखने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. जैसे लेटली जो टस्कर था यहाँ पर, उसका एक तरह से ही वॉज हिट बाई ए बस. तो अभी यहाँ पर नाइट ट्रैफिक का इश्यू चल रहा था, बिकॉज केरला नाइट ट्रैफिक जो है नाइट बैन को कंडेम करती है, और बाकी तमिलनाडु और कर्नाटका ने अग्री किया था. अभी कंटिन्यूड है बैन. नेक्स्ट कम्स द बनेरघट्टा नेशनल पार्क, इट्स इन कर्नाटका. अगेन कर्नाटका इज नॉन फॉर टाइगर्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स हैं जैसे सदर्न इंडिया में है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, वेस्टर्न में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स मिलते हैं. तो जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो है, सॉरी टाइगर्स हो गई, टाइगर्स जैसे सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं. बाकी डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि एरिया बड़ा है, राइट. बनेरघट्टा नेशनल पार्क, इट्स इन कर्नाटका. उसके बाद आता है बैतला नेशनल पार्क, ये झारखंड के अंदर है. बैतला नेशनल पार्क क्योंकि मध्य प्रदेश और झारखंड, ऐसे याद रखना, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. इट्स नॉन फॉर टाइगर्स, इंडियन बिसॉन, इसके अलावा एलिफेंट्स एंड मंकीस, लेपर्ड एट्सेट्रा, मतलब नॉर्मल ऐसे कोई यूनिक स्पीसीज नहीं है यहाँ पर. बैतला जो है ये पहला नेशनल पार्क था जो कि वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क्स टू बिकम ए टाइगर रिजर्व. अब आप मुझे यहाँ पर बताओगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, एंड हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन द प्रोजेक्ट टाइगर. यहाँ पर एक रिवर जो है वो फ्लो करती है, नॉर्थ कोयल रिवर. आपको पता है नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल रिवर है. साउथ कोयल और सांख रिवर मिलकर आगे जाकर ब्राह्मणी बनाती है. तो यहाँ पर नॉर्थ कोयल जो कि झारखंड रांची प्लेटू, झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू से ये निकलती है, तो ये सोन रिवर को ज्वाइन करती है कुछ ही दूर जाकर. ये बैतला नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करती है. तो आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सी रिवर, जैसे आपको ये बोल दिया जाएगा ऑन द वन साइड यू विल बी प्रोवाइडेड नेशनल पार्क्स, ऑन द अदर साइड यू विल बी प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ रिवर्स, कि कौन सी रिवर कौन सी नेशनल पार्क से फ्लो करती है. और देयर कैन बी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द नेशनल पार्क. अब ये न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि एक प्रोजेक्ट था नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट. नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट इज बिग, ये पहले स्टार्ट किया गया था एंड देन इट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड 2017 में, लेकिन फिर से इसको कंटिन्यू कर दिया गया. 1972 में स्टार्ट हुआ था, फिर 1993 तक चला था. 1993 में डिसकंटिन्यू कर दिया था ओवर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा जो बैतला नेशनल पार्क का पार्ट है वो हो रहा था, हाँ, सबमर्ज हो रहा था. सो दैट्स द रीज़न. यहाँ पर मंडल डैम जो है, दैट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस बैतला नेशनल पार्क प्रोजेक्ट, जो नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है उसी का पार्ट है. सो इसमें पालमाऊ टाइगर रिजर्व जो कि यहीं पर है पास में ही, तो यहीं से ये नॉर्थ कोयल रिवर जो है फ्लो करती है. नेक्स्ट कम्स द भीतरकनिका नेशनल पार्क, इट्स इन उड़ीसा. भीतरकनिका इज नॉन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल, इसके अलावा मैंग्रोव्स होते हैं, इसके अलावा वाइट क्रोकोडाइल, ओलिव राइडलेस सी टर्टल्स. तो ये कुछ 4-5 नेम्स है विच यू हैव टू रिमेंबर. भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड इट लाइज इन द एस्चुराइन रीजन, एस्चुराइन जोन, जहाँ पर ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर एस्चुरी बनाती है ना. रिमेंबर दिस बॉर्डर यहाँ पर, सॉरी इसमें नहीं है, एक जैसे नीचे सबसे पहले आपकी सबसे नीचे क्या महानदी रिवर है, फिर ब्राह्मणी रिवर है, बैतरणी रिवर है.
तो ब्राह्मणी और बैतरणी एक साथ एस्चुराइन रीजन जो बनाती है, एस्चुराइन जहाँ पर धामरा पोर्ट है, तो वहाँ पर ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इट वॉज डेजिग्नेटेड ए नेशनल पार्क इन 1998। ईयर आपको नहीं याद रखना, ये ऐसे ही लिखा गया है। इट्स ऑल्सो ए रामसर साइट, जो कि हम रामसर साइट में डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल पार्क इज होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट अभी गुजरात है आई गेस, क्योंकि एरिया वाइज अगर बात करें तो। द गहीर माता बीच, यहाँ पर जो गहीर माता बीच है दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द पार्क, बाउंड्री जो एक तरह से ये कह लो कि आसपास का जो जोन है। और वहाँ पर ओली राइले सी टर्टल्स आते हैं फॉर देयर मास नेस्टिंग। देयर मास नेस्टिंग इज नोन एज अरीबाड़ा, अरीबाड़ा राइट। तो यहाँ पर यही रिवर्स है, आपसे पूछ ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। अगेन यहाँ पर फ्लोरल डाइवर्सिटी, फोनल डाइवर्सिटी, मैंग्रोव्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल, वाइट क्रोकोडाइल, ओलिव राइडले सी टर्टल्स, इन सब के लिए भीतरकनिका जाना जाता है। भीतरकनिका इज ए नेशनल पार्क एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स नॉट ए टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे इन 2014 देर वॉज दिस क्वेश्चन, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन उड़ीसा, मर्ज एट ए प्लेस ओनली शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इन टू द सी। दिस इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड ए प्रोटेक्टेड एरिया एज वेल। भीतरकनिका, चांदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी, सिमलीपाल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोस्ट के ऊपर है, तो यहीं से सिमलीपाल रूल आउट हो जाएगा बिकॉज सिमलीपाल इज नॉट ऑन द कोस्ट। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, हम जो बताओगे कॉमेंट सेक्शन में। उसके बाद जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच नेशनल पार्क इज होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सो नेवरा वैली नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, पपीकोंडा नेशनल पार्क। अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या तो आपके अंडमान निकोबार में मिलते हैं, जैसे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है वहाँ पर पाए जाते हैं, और दे आर फाउंड इन द भीतरकनिका नेशनल पार्क। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, इट्स भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका नेक्स्ट आता है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर ऑगमेंटेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन को जैसे रीइंट्रोड्यूस करवाना या ब्रीडिंग एट्सेट्रा। ओके, सो रिसेंटली NTCA दैट्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आइडेंटिफाइड बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल फॉर द टाइगर ऑगमेंटेशन प्रोग्राम। सो टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर किया गया था काफ़ी पहले, वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये एकदम उस एरिया में है जो आपका चिकन स्नैक है ना, चिकन स्नैक जहाँ पर चिकन, वेस्ट बंगाल का जो पार्ट अंदर बांग्लादेश के ऊपर जो है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। सो इट्स वेरी मच क्लोज टू द आसाम्स मानस टाइगर रिजर्व। तो ये आपसे कन्फ्यूज अभी कन्फ्यूजन भी हो सकती है, आपको दे दिया जाएगा कि इट्स नियर बाई मानस टाइगर रिजर्व और मानस नेशनल पार्क, तो आपको लगेगा इट्स इन वेस्ट बंगाल, तो आसाम के मानस से कैसे उसका कोई लिंकेज हो सकता है। बट दैट्स द थिंग, बिकॉज ये एकदम बांग्लादेश के ऊपर जो चिकन स्नैक का पार्ट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। बक्सा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स के अलावा यहाँ पर और एलिफेंट्स मिलते हैं, इंडियन बिसॉन, सांबर्स, बार्किंग डियर, होक डियर एट्सेट्रा, ये सारे स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं, टाइगर, सिवेट, एलिफेंट एंड एट्सेट्रा। यहाँ पर एक फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि भूटान की है और विच इज़ कॉन्टिग्यूस टू द नॉर्थ ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व, मतलब उस साइड भूटान में, दैट्स फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक नए प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर हुई थी, नए प्लांट की स्पीसीज और जिसका नाम था ड्राइपिटिस कलमी, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक नेम है, न्यू प्लांट स्पीसीज विच वॉज डिस्कवर्ड ईयर। इसके अलावा नेक्स्ट कम था डचिगम नेशनल पार्क। डचिगम नेशनल पार्क जो है इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स नॉन फॉर कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग विच इज़ हंगुल। अब मुझे IUCN स्टेटस बताओगे हंगुल का, क्योंकि इस क्लास में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको IUCN स्टेटस ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीसीज। नेक्स्ट कम्स द डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान के अंदर है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ड्राई एरिया है, डेजर्ट लैंड है, तो यहाँ पर वो सारे स्पीसीज पाए जाते हैं जैसे कि जो इस एरिया में रहना पसंद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि
आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उसके लिए ही हैबिटेट है, इम्पोर्टेंट हैबिटेट है. इसके अलावा देयर कैन बी लाइक स्पाइनी टेल लिजार्ड है जिसके ऊपर वो सर्वाइव करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेल नोन होम फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड. अभी पहले ये कहीं और साइट्स पर भी पाई जाती थी. यस हाई उत्सव, आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेज और आई थिंक हिंदी ज़्यादा यूज़ हो रही है. सो इंडियन बस्टार्ड एंडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है क्यों, और एंडेंजर्ड ऐसे भी नहीं है कि कहीं और भी पाई जाती है. ये सिर्फ 50-60 स्पीसीज बची हुई है और वो भी 95% है पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज का, उसका इंडियन बस्टार्ड की स्पीसीज का. तो कैन यू इमेजिन कि ये कम्प्लीटली उसके एक तरह से वो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बींग एक्सटिंक्ट. अब यहाँ पर इंडियन बस्टार्ड है, ये एक डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है. ब्राउन एंड वाइट होती है कलर में, और जो ज़्यादातर ये सैंडी एरिया ड्राई एरिया को ये प्रेफर करती है. इसको सबसे बड़ा थ्रेट ये होता है कि इरीगेटेड एरिया में ये नहीं रह सकती है. सो इसीलिए जो भी इरीगेशन कैनाल्स बनाई जाती है वो इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट होते हैं इंडियन बस्टार्ड के लिए. उसके बाद आता है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क. दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दिब्रू साइखोवा. एंड आप मुझे बताओगे क्या ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है या नहीं है, ये आप मुझे बताओगे. और बाकी द पार्क इज़ बाउंडेड बाय द अरुणाचल हिल्स इन द नॉर्थ एंड दिब्रू एंड पटकाई हिल्स ऑन द साउथ. इट्स ड्रेन्ड बाय ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर, पूछ सकते हैं आपसे, और दिब्रू रिवर इन द साउथ. इसमें काफ़ी जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है. बाकी क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो मैंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का बताया था कि वहाँ पर कौन से स्पीसीज मिलते हैं, जैसे हुलॉक गिबॉन हो गया, या फिर गोल्डन लंगूर हो गया, कैप्ड लंगूर हो गया, स्नॉल एयर लॉरिस हो गया, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए. और क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर है, सो ब्रह्मपुत्रा रिवर में गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन भी होगी. ब्रह्मपुत्रा में, गंगा में, महानदी में यहाँ पर गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है. सो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क. उसके बाद आता है दुधवा नेशनल पार्क एज वेल एज ए टाइगर रिजर्व. ये उत्तर प्रदेश के अंदर है. इट्स नॉन फॉर टाइगर, सांबर डियर, हॉक डियर. इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एज वेल, प्रोजेक्ट टाइगर का भी ये पार्ट है. इसके साथ साथ यहाँ पर ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. एक नाम है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कटनिया घाट एंड किशनपुर, ये दोनों मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाते हैं. क्योंकि आपको पता है टाइगर रिजर्व जो है वो बाद में डिक्लेयर किया जाता है. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही डिक्लेयर किया जाता है. और NTCA जो है वो किसके थ्रू फॉर्म हुई है? दैट्स फॉर्म्ड थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इटसेल्फ. इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरला के अंदर है. इराविकुलम क्योंकि केरला में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नीलगिरी टार और वही सब लायन टेल मग्गा की ये सब स्पीसीज मिलती हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिक स्पीसीज मिलता है जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथिस. स्ट्रोबिलैंथिस ये ऐसा प्लांट है, मतलब एंडेमिक है यहाँ का. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसकी 150 स्पीसीज है, और जिसमें से 59 स्पीसीज जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती हैं. इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर ये है, यस हाई, इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि द प्लांट हैज़ ओनली वन चांस टू रिप्रोड्यूस इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम. ये सेकेंड लार्जेस्ट जीनस है इन द फैमिली अकेंथेसिया. तो आपसे पूछ सकते हैं स्ट्रोबिलैंथिस ये कहाँ पर मिलता है? इराविकुलम नेशनल पार्क केरला. बाकी इराविकुलम के अंदर बहुत सारे ऑर्किड्स के स्पीसीज है. इसके अलावा नीलगिरी टार है क्योंकि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, स्लोथ बियर है, नीलगिरी लंगूर है, टाइगर है, लेपर्ड है, जाइंट स्क्वायरल है, वाइल्ड डॉग, ये सारे कॉमन स्पीसीज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं. यहाँ पर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड नीलगिरी टार लिव्स हियर. मतलब नीलगिरी टार इज एंडेंजर्ड इन कैटेगरी, सो उसकी आधी पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है. इसके अलावा यहाँ पर टाइगर्स तो मिलते ही, पेंथेरास, टिग्रेस, और इसके अलावा यहाँ पर जंगल कैट्स, और वो तो नॉर्मल स्पीसीज है. एक यहाँ पर अटलस मॉथ, एक तरह से इंसेक्ट है अटलस मॉथ, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, कैन बी सीन इन इराविकुलम नेशनल पार्क. इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज एक्सेट्रा, तो वो सारा नॉर्मल है. तो यहाँ पर एंडेमिक जो यूनिक स्पीसीज है ना, यूनिक चीज़ें याद रखो, क्योंकि आपके ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो चीज़ें. उसके बाद आता है एशियाटिक लाइन. एशियाटिक लाइन का मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. ये आपका गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है. और बाकी इसके जो है ये अभी आपको पता है एक वायरस था, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, CDV, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, जैसे डॉग्स हो गई,
या पिग्स हो गए, तो उसके बाद ये लायंस जब कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर चला जाता है और उसकी वजह से इट्स क्वाइट डिजास्ट्रस टू देम, मतलब उनकी हेल्थ में एकदम से डेथ हो जाती है, इंस्टेंट डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अभी लेटली देर वॉज लाइक 70 एशियाटिक लायन जो है डेड हो गए थे. एशियाटिक लायन गुजरात के अलावा अफ्रीका में पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट के अलावा अफ्रीका के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड अफ्रीकन एशियाटिक लायन. एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन CDV की वजह से कंसिस्टेंटली अभी डिक्लाइन कर रही है. सो दैट इज़ वाई द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस एंडेंजर्ड एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इन गिर फॉरेस्ट. कई सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट की गई हैं, जैसे यहाँ पर है गिर नेशनल पार्क. तो आपसे पूछ सकते हैं कठियावाड़ रीजन में या कच्छ रीजन में है, सो ये कठियावाड़ रीजन में है. यस हाई गुड इवनिंग. सो अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और रिजॉल्व इट. राइट, इसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ससन गिर जो एरिया, इसका थोड़ा सा ये नॉर्दर्न पार्ट जो है ये ससन गिर एरिया है. दिस एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के पीछे पर्पस क्या होता है, कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना. सो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर टू कंजर्व एशियाटिक लायन. इट कवर्स टोटल एरिया ऑफ 1412 स्क्वेयर किलोमीटर, जिसमें से 258 किलोमीटर फॉर्म्स द कोर एरिया ऑफ द नेशनल पार्क. ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी होती है कि मतलब जैसे ये आपका नेशनल पार्क है तो ये इतना एरिया जो है ये सारा इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा सकता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, वहाँ पर सेटल भी हुआ जा सकता है, वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड होती हैं, जैसे फ्यूल वुड कलेक्शन या फिर टिम्बर कलेक्शन वहाँ पर अलाउड होता है. सो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं. तो इसमें कुछ सारा जो कोर एरिया है नेशनल पार्क का वो भी आ जाता है. वैसे ये आभार के जोन में होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है. उसके बाद आता है हेमिस नेशनल पार्क. इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, लोकेटेड इन ले डिस्ट्रिक्ट. सो स्नो लेपर्ड हो गया और इसके अलावा माउंटेन वेजल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं. उसके बाद आता है कान्हा नेशनल पार्क. इट्स इन मध्य प्रदेश. कान्हा इज़ ए टाइगर रिजर्व एज वेल. एंड कान्हा टाइगर रिजर्व आपको याद होगा केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया जो है वो सबमर्ज हो रहा था. कान्हा एरिया जो है ये दो सेंचुरीज में डिवाइड किया गया, हेलोन सेंचुरी और बंजर सेंचुरी. हेलोन सेंचुरी और बंजर सेंचुरी ये रिजर्व है इंडिया के अंदर, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट है. और ये टाइगर रिजर्व काफ़ी पहले डिक्लेयर किया गया था 1973 में. तो आप मुझे बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब चला गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था. अब वैसे सेंट्रल इंडिया में भी ये लार्जेस्ट है. द पार्क हैज़ ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड्स. देन कम्स द राजा जी नेशनल पार्क विच इज़ इन उत्तराखंड. राजा जी जैसे यहाँ पर राम गंगा रिवर है और जैसे गंगा रिवर है, ये सारी जो है यहाँ पर फ्लो करती है राजा जी नेशनल पार्क से. नामेरी नेशनल पार्क इट्स इन आसाम, नामेरी. नवगांव नेशनल पार्क इट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर नवगांव नेशनल पार्क. और जैसे ओरांग नेशनल पार्क इट्स इन आसाम. ओरांग इज़ ए टाइगर रिजर्व एज वेल, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है. एंड यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है टाइगर्स की, क्योंकि इसका एरिया कम है तो पॉपुलेशन वाइज इसकी डेंसिटी जो है वो सही मिल जाती है. देन कम्स द पन्ना नेशनल पार्क. पन्ना नेशनल पार्क इट्स इन मध्य प्रदेश. पन्ना नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में जो कान्हा था, जैसे कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व, इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो सबमर्ज हो रहा था.
देन कम्स द पेरियार नेशनल पार्क, इट्स इन केरला. अगेन इट इज़ नॉन फॉर नीलगिरी, टार एंड सीवेट एक्सेट्रा, ये सारे स्पीसीज के लिए. बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी, टूरिज्म टूरिस्ट स्टॉप भी है, स्पॉट भी है. देन कम्स द फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क. फोंगपुई जो है, आपको पता है ये पीक है ब्लू माउंटेन, ये लुशाई हिल्स है, मिजोरम के अंदर है, लुशाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है. सो यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी जैसे यहाँ, हाँ, सो एवरीथिंग इज फाइन राइट. कुछ इशू हो गया था बीच में, बट नाउ इट्स फाइन. सो फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इट्स इन मिजोरम. देन कम्स द पिन वैली नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है. इट्स नॉन फॉर स्नो लेपर्ड एटसेट्रा, रेड पांडा एंड ऑल. रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं मरीन नेशनल पार्क से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ पर है. जैसे गुजरात के अंदर है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा अंडमान निकोबार के अंदर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क. उसके बाद राजस्थान के अंदर वी हैव द रणथंभौर नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व. और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वी हैव सैडल पीक नेशनल पार्क. आप मुझे बताओ सैडल पीक हाईएस्ट पीक है तो ये कौन से पार्ट के अंदर है? अंडमान, साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान. सो रणथंभौर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इट्स इन राजस्थान. बाकी सैडल पीक नेशनल पार्क ही अंडमान निकोबार में. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इट्स केरला बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ नॉइजी जो फ्लोरल वो होती है, तो ये साइलेंट वैली इसको बोला जाता है. संजय गांधी नेशनल पार्क, रिसेंटली ए फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज प्रपोज्ड इन दिस संजय गांधी नेशनल पार्क. फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात चल रही थी. इट्स इन महाराष्ट्र, संजय गांधी नेशनल पार्क. इट्स नॉन फॉर एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, रीसस मकाक, स्पॉटेड डियर, इसके अलावा हनुमान लंगूर, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इसके अलावा बार्किंग डियर, माउस डियर, पाम सिवेट एट्सेट्रा. दिस इज नॉन फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ स्पीसीज. सरिस्का टाइगर रिजर्व इट्स इन राजस्थान. सतपुड़ा नेशनल पार्क इट्स इन MP मध्य प्रदेश, सतपुड़ा नेशनल पार्क. बाकी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. और बाकी फ्लोरल डाइवर्सिटी जो है इसमें ज़्यादा पाई जाती है. देन कम्स द तडोबा नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व, इट्स इन महाराष्ट्र. इट्स नॉन फॉर टाइगर्स. सुल्तानपुर नेशनल पार्क इट्स इन हरियाणा. इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बाकी और कुछ ऐसे सच सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन ही पाई जाती है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है. श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क. और बाकी नेशनल पार्क, बाकी जैसे झारखंड है इसके अंदर बेतला नेशनल,